हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आखिरकार क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी रीडिंग की शुरुआत में ही, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के। काफी लोगों ने आपको वार्निंग दी है, पता है? काफी लोगों ने बोला है इस पर्सन की कंपनी अच्छी नहीं है, इनकी संगत अच्छी नहीं है, ये आपके लिए नहीं बने हैं, शायद आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए। पर इतने लोगों के कहने के बावजूद भी आपने कभी भी दूसरों की बातें नहीं मानी हैं, ठीक है? कभी भी आपने दूसरों की बात को नहीं माना है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है? जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, जो आपने सोची भी नहीं थी, पर आप उन चीज़ों के सामने कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप हालातों से मजबूर थे। इस रिश्ते में ज़्यादातर चीज़ मैं बताऊँ वो हुई है जो आप चाहते नहीं थे, है ना? आपकी विश के अकॉर्डिंग नहीं, आपके विश के अगेंस्ट। तो कमेंट सेक्शन में लिखो नो विश। जो चाहते नहीं थे वो चीज़ें यहाँ पे हुई है, और आपने फिर भी इस पर्सन का हाथ नहीं छोड़ा है, इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ा है। इस वक्त इस पर्सन की हालत ये है ना कि इन्होंने ना एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी एक आंख बंद कर ली है। आंख बंद क्यों कर ली है? आंख बंद इसीलिए कर ली है कि ये पर्सन देखना नहीं चाहते, ठीक है? ये पर्सन किसी भी हालत में ये चीज़ देखना नहीं चाहते, ये चीज़ मानना नहीं चाहते कि आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, ये चीज़ सुनना नहीं चाहते, और ये कहीं ना कहीं आज भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों फाइनली अलग हो गए हो, दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों को ज़िंदगियाँ अलग अलग बितानी हैं, ये चीज़ को ये मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे करीबियाँ बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन का आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन का आपके करीब आने का, बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन का आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने का। फिर भी अगर ये पर्सन ऐसा कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनके मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी, क्या आप इनको दिल से माफ़ करोगे? क्योंकि ये चाहेंगे कि आप पहले की तरह दिल से खुश हो के इनके साथ आओ। मुझे लगता है कि ये रात भर इसी बारे में सोचते आए हैं, और इनफैक्ट अभी सुबह सुबह भी जैसी आँख खुली या घुसते मतलब उठते के साथ ही इनके फ़ोन में हो सकता है आपकी कोई फ़ोटो हो, ठीक है, या सोशल मीडिया पे आपने इनको ब्लॉक किया हो। ये इंतज़ार ही कर रहे हैं एक तरीके से इसी उम्मीद में कि आप शायद इनको एक दिन अनब्लॉक कर दोगे, एक दिन शायद आप इनके करीब आ जाओगे, ठीक है, एक दिन शायद चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी। इनको यकीन है कि एक बार आपका साथ मिल जाए, है ना, एक बार चीज़ें क्लियर होने लगे, तो ये पर्सन कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये पर्सन किसी भी चीज़ को आराम से कर सकते हैं। आपका साथ हो तो, आप एक बार साथ दो तो, अकेले कोई चीज़ करेंगे ना, और अगर आपका साथ नहीं हुआ तो ये पर्सन धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। एक तरीके से इन्होंने आपके साथ फरेब ही किया है कि हर बार आपको सॉरी बोल के, सॉरी का तो जैसे मजाक उड़ा दिया। कमेंट सेक्शन में लिखो सॉरी अगर आपको भी यही लगता है। इतने ज़्यादा प्रोमिसेस किए, इतना सब कुछ किया, पर सॉरी तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे इस पर्सन ने खूब इस्तेमाल किया है जब मन किया, पर उसको निभाया नहीं है। हर दिन एक नया प्रॉमिस,
हर दिन कसम, पर उस चीज़ को इन्होंने किया नहीं है। और जो भी दोनों के बीच में सेपरेशन आया ना, वो अचानक से आया है। हर बार दिल में नई उम्मीद, आप थक चुके हो इस पर्सन को समझाते समझाते, हर तरीके से, गुस्से से समझा लिया, प्यार से बोल दिया, रो रो के समझा लिया, ठीक है, पर इस पर्सन के दिमाग में वो चीज़ घुसती नहीं है। मैं देख रही हूँ, पर इस पर्सन को बस यही लगता रहा है, बस यही लगता आया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हर बार इनको यही लगा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और इसीलिए इस पर्सन ने इतनी बार मौके लिए हैं। लगता है ये पर्सन इस वक्त बहुत डरा हुआ है आपके करीब आने से, क्योंकि इनको खुद से ही शर्म आने लगी है। इनको ऐसा लगने लगा है कि कितनी बार बोलेंगे, कितनी बार कहेंगे, क्योंकि इतनी बार ये बात हो चुकी है कि अब बोलने के लिए मुंह नहीं बचा, कहने के लिए शब्द नहीं बचे, और दिखाने के लिए चेहरा नहीं बचा। आप भरोसा करोगे तो किस पे करोगे, बताओ? किस पर भरोसा करोगे? जो पर्सन बोल रहा है उस पे, या फिर जो पर्सन कर रहा है उस पे? इतनी बार समझाने के बावजूद भी अगर कोई ना समझ पाए, इतनी बार कहने के बावजूद भी अगर इस पर्सन को कोई चीज़ समझ ना आए, तो उसका क्या इलाज है, आप खुद ही बताइए। आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आती होगी, आपके मन में ये चीज़ चलती रहती होगी कि क्या हो रहा है, आखिरकार करना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं देख रही हूँ और बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर है और इस बात को बहुत गहराई से सोच रहे हैं। इनके प्यार में भी इतनी गहराई दिख रही है, तभी तो इस पर्सन को ये चीज़ अंदर से खाए जा रही है। एक भी पल, एक भी टाइम सुकून का नहीं बीत रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आराम से जी सके, आराम से सो सके। सोने से पहले ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, सपने में भी, और इनफैक्ट उठने के बाद, जागने के बाद है, आप ही हो जो इस पर्सन को याद आते हो, बहुत ज़्यादा याद आते हो, बहुत ज़्यादा याद आते हो। आपको याद कर करके ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, आपको याद कर करके ही ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। फिर से ये पर्सन आपसे एक बार मिलना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, दे रही है 6 अगले 6 घंटे, ठीक है, या हो सकता है अगले 6 दिन में इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूव ज़रूर दिखेगा। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।